मेला शक्ति जिंदाबाद, मेला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बारिश से मेरी आज उम्मीदें भी टूट गई है। तो दगड़ियों एक हम फिलहाल आज आ रास्ता में और इन थक लगी छे पूरा आसपास की टाणों पड़ जाते। क्यों भाभी? पानी पानी वो भर गई। हाँ, कल के ब्लॉग में जो कमेंट आया था कि आपके यहाँ से पूरे झड़ जाते हैं, तो इसका मतलब आप पूरे झड़ने वाले हैं। तारीफ की उम्मीद थी कि सब लोग तारीफ कर, साथ ही साथ जंगलों में इतनी भयंकर आग लगी हुई थी सारी जगह। जय हो माँ मठियाणा की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूट पहाड़ों नीतू राणा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, मैं हूँ रितू राणा, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग की रहने वाली हूँ और पुनः दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस खूबसूरत से पहाड़ में। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ सुबह के टाइम से हो रही है जमकर बारिश। तो दोस्तों, पहाड़ ना बारिश के बाद ऐसे खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों में दिखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको भी दिखाते हैं अपने पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा और साथ ही साथ हमारे सूर्यदेव जी की हल्की सी लालिमा और बारिश की बूंदें और साथ ही साथ कोहरे का खूबसूरत सा नज़ारा। देखिए दोस्तों, आज हमारे पहाड़ों का गजब नज़ारा। देखिए, सबसे पहले सूर्य देव के हल्के हल्के से दर्शन और साथ ही साथ कोहरा भी लगा हुआ है और बारिश भी आ रही है। तो इस टाइम हमारे पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा कितना मस्त लग रहा है। दोस्तों, आज बारिश हुई तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और साथ ही साथ जंगलों में इतनी भयंकर आग लगी हुई थी सारी जगह कि कोहरे की वजह से मतलब पास ही के लोग भी नहीं दिख पा रहे, इतना कोहरा लगा हुआ था। लेकिन देखो, आज जैसे ही बारिश आई एकदम मौसम साफ नज़र आ रहा है और पहाड़ एकदम चमचमाते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे बारिश के सीज़न में हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। बाहर तो लोग बारिश के लिए तरस रहे होंगे, जैसे कि देहरादून साइड या फिर तिलवाड़ा से बाहर ही चले जाओ, लोग बारिश के लिए तरस रहे होंगे कि यहाँ भी ठंडा पाता। लेकिन हमारे यहाँ है ही बांज, बुरांस, काफल, सारे पेड़ हमारे यहाँ है, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ठंडा होता है। मतलब यहाँ पर गर्मी आती ही नहीं है और साथ ही साथ बारिश आ गई, तो आज हो रहा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो देखते हैं दोस्तों, हम कहाँ जाते हैं, क्या हमारा आज का काम होता है, तो आपको भी दिखाते हैं। धीरे धीरे चलते हैं आगे। प्यारे प्यारे से जंगलों में जाने की और आज भी हम जा रहे हैं लकड़ी और बांझ के लिए। तो अभी हम जहाँ पर पहुँचे हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं खोली खार। तो आप लोग देख रहे हो, पूरे जंगल आजकल पूरा से भरे हुए हैं, ये देखो। और यहाँ पर है हमारे गांव से आने का रास्ता। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है हिमालय से। आज वहाँ की तरफ थोड़ी बहुत बर्फबारी भी हुई है, अभी कोहरा भी लगा हुआ है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो दोस्तों, जा रहे हैं हम जंगल। तो दोस्तों, ये हमारा जंगल है और यहाँ ठीक सामने पड़ता है ढोंडा गांव, यानी कि पालीपुर गांव, जो हमारा पड़ोसी गांव है। और जो ये यहाँ पर पर्वत दिख रहा है, तो यहाँ पर बसे हैं हमारे भोलेनाथ जी, रुद्रनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर। तो इसी गांव से होकर चलना पड़ता है वहाँ, और इसके ठीक पीछे है सोरखाल और जो पीछे दिख रहा है सारा ये है बडियारगढ़ पट्टी। तो हमारे यहाँ से सारा दिखता है और ये है, ये गाँव हमारा पड़ोसी गाँव है। वैसे दोस्तों, कल के ब्लॉग में जो कमेंट आया था कि आपके यहाँ से तेगढ़ बाज़ार कितनी दूर है, तो मैं आपको बता दूं, जो ये गांव दिख रहा है ढोंडा गांव, ये तो है भरदार क्षेत्र में, यानी कि ये गांव पड़ता है भरदार पट्टी में। ठीक इसी के पीछे जो बडियारगढ़ पट्टी है, वहाँ पड़ता है तेगढ़ बाज़ार। तो फिलहाल हम लोग तो भरदार पट्टी के हैं, तो हमारा मेन मार्केट है तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग, और जो बडियारगढ़ पट्टी है उनका जो मार्केट है वो है तेगढ़ बाज़ार। तो बडियारगढ़ पट्टी में पड़ता है तेगढ़ बाज़ार। ये देखो दोस्तों, ये है हमारे पहाड़ की खूबसूरती। पेड़ देखो भाई, बुरांस के कैसे खिल रखे हैं आजकल, बुरांस पत्ते कम है और बुरांस तो ज़्यादा है भाई।
का जलवासा विपस्सा वारे। तो हम लोग भी अभी यहाँ फोटो शूट कर रहे थे, क्यों भाभी जी? हाँ जी। और आजकल ना, नहीं सॉरी, आज सुबह बारिश हुई तो इस वजह से आप पूरा आंसू खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि पूरा आंसू आप कीटाणु पड़ जाते हैं, क्यों भाभी? पानी पानी वो भर गई। हाँ, पूरे झड़ जाते हैं, तो इसका मतलब आप पूरा आंसू पूरे झड़ने वाले हैं। और हम आप लोग रेमेडी बनाए इस बार? हाँ सुनती क्या बार तो मन पौन बने ली तीन बार गर्म बने ली पांच बार तो मन खाई दी ये बाबा तो तीन चार मन बार मैं तो कह रही दिन बे जूस बना गर्म बने ऑनलाइन ना ऑनलाइन अच्छा अब पूरा से जूस बने को तो मटर रख माँ अच्छा हाँ। जूस हमारे यहाँ इतने बुरा हाँ से ना कि जो जूस बनाना चाहेगा तो उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी, क्यों भाभी जी? ऑर्डर कर दे उनका भाभी का ट्रक ले जाए भाभी का ट्रक भाभी जी का ट्रक है ना, ट्रक भर के ले जाएगी। ऑर्डर कर देना उनका पे लाना है काम पूरा से बुआर बुआर भेज ले तुम त्या वही तो चलते हैं दोस्तों आगे आगे जंगलों की ओर। और इस साइड तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाँ से, उस साइड थोड़ा कम है, क्यों भाभी बोलो कुछ स्वस्थ मनुष्य। तो दोस्तों मिलते आपको ठीक आगे जंगल में। यहाँ पे ये लोग रेमोड़ी बना रहे हैं पत्थर में से बना दे थाली की प्लेट की व्यवस्था नहीं रहती तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, आप तो क्या आप लोग तो अचार बिचार में खाना के खटम पहले बुढ़ी महिला शक्ति जिंदाबाद अबे बुढ़ी सीट हम चपक लेना मेला शक्ति जिंदाबाद मेला शक्ति जिंदाबाद 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 हमार बुरा जिंदाबाद गेगो। देखिए दोस्तों कैसे फूल खिले हुए हैं हमारे पहाड़ों में, और आज बारिश आई तो इस वजह से अब ये फूल झड़ जाएंगे। बारिश की वजह से जल्दी ही झड़ जाते हैं। अभी मैं आ रही हूं बुरांस के पेड़ पर, पूरा पेड़ बुरांस देखो कैसे भर रखा है, इधर से लेकर इधर ऊपर पूरा देख लो। दगड़ियों एक हम फिलहाल आ जा रास्ता में, और इन्हें थक लगी छे, यूं मन पानी पी नहीं हो, भूख लगी हो छे, हम तो लगी लगी सी लगी है, हम तो प्यास लगी हो छे, क्या कन तब क्या कन बई घर में नहीं कोई पार पैर पी नी। तो दगड़ो यमुन पानी में हम नेरा गए, और अभी हम राजी खुशी से भी लोग घर है गिन, यही चंद की राजी खुशी गए गिन भी, राजी खुशी घर भी है गिन। कुछ बोला तो भाभी कुछ के अपन भूख लगी है बात बनी बात बनी और बार बात खाना वो घर जाए गांठ मरी भूखा ने जी बजू टाइम है कि क्यों हम घर वाला मन का दिन आज पहली आन भी नहीं आई वैसे दोस्तों अभी टाइम हो रहा है ठीक 3 बजे का, 3 बजे पहुंच गए हम घर पे। ऊपर पे हमारे चाचा जी भी आ गए, 26 किंग उनका नाम है क्या, 26 किंग उनका नाम है, और वो जा रहे थे काम करने है। वैसे दोस्तों जैसे ही जंगल से ठीक घर में पहुंचे इतनी थकान लग जाती है आजकल की मैं क्या बताऊं। और आज ना बारिश आई तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक तो हवा कम हुई बारिश, मतलब कल से ऐसा होता था ठीक एक बजती थी हमारे यहाँ हवा चालू हो जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल शांत मौसम बना हुआ है। और हम कोहरे की बात करें तो कोहरा तो आज बिल्कुल नहीं है, और साथ ही साथ हमारा जो डांडा में कल आग लगी थी आज देखो बिल्कुल नहीं है, बारिश की वजह सारी आग बुझ गई है, और बहुत ही अच्छा हुआ ये सब। आज कितनी हरियाली नज़र आ रही है,
और अब इस वाली मतलब जो ये बारिश आई है, इस वाली बारिश से हमारे जो गेहूँ हैं वो ठीक ठाक मतलब पक पाएंगे। और इस बार हमारे यहाँ जो गेहूँ ठीक ठाक हुए हैं, मतलब जिनके थोड़ा मरम खेत थे उनके खेतों में मस्त वाले जो गेहूँ हुए हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले धो लेती हूँ कपड़े, वैसे ठीक 5 बजे गए हैं और धूप देखो कहाँ चली गई है, तो कपड़े धो लेते हैं सबसे पहले। ये देखो दोस्तों आसमान तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन आज देखो कोहरा बिल्कुल नहीं है, धूप एकदम मस्त वाली छा रही थी अभी तक और यहाँ पर चली गई है धूप। यहाँ जो छोटा सा गांव है वो है डांडा खील, हमारा पड़ोसी गांव है ये भी। और आज देखो नीचे तक का मतलब जो पहाड़ी बोलते हैं वो दिख रहा है साफ। जैसे इस वाली बारिश से फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसी वाली बारिश से मेरी आज उम्मीदें भी टूट गई है। मेरी उम्मीदें थी कि जब सारे लोग शादी में घर आएंगे बोलेंगे कि वाह ये डिज़ाइन किसने निकाला, ऐसा वैसा ये उम्मीदें थी, लेकिन आज बारिश ने ही उम्मीदें सारी तोड़ दी। जो हमने दादी के घर पर कमेड़ू लगाया था देखो सारा बह गया, यहाँ से लेकर उधर भी बह गया पूरा, और यहाँ पर भी बह गया क्योंकि जो चादर है उससे पानी अंदर की साइड गया, और ये देखो पूरा यहाँ से बह गया है आज। ये देखो पीछे वाली साइड तो मैं क्या बताऊँ, इतना ख़राब हो रखा है वहाँ कि दादी भी सुबह बेकार लग रही थी कि ऐसा ख़राब हो गया भाई। देखो पूरी लाल मिट्टी नज़र आ रही है, साइड भी बेकार लगता है जब उम्मीद हो पानी फिरता है। मैंने सोचा सब लोग तारीफ़ करेंगे, लेकिन इस वाली बारिश ने मेरी ना दादी दादी कैसा लगा, बेकार लगा ना सब। हाँ दादी की भी उम्मीद थी कि सब लोग तारीफ़ करेंगे हमारे, लेकिन देखो दादी की उम्मीदें भी ख़राब हो गई ना दादी, टूट गई उम्मीद। इसीलिए बोलते हैं कि किसी से किसी पर ज़्यादा भरोसा मत रखो, भले कभी भी धोखा दे सकता है बिल्कुल दोस्तों ना दादी। हाँ बारिश ने भी हमें धोखा दे दिया भाई, बहुत बेकार बात है। वैसे दोस्तों ब्लॉग की समाप्ति करने की कगार पर आ गए हम लोग, और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है ना दादी। और दादी के लिए भी अच्छे अच्छे कमेंट ना, दादी का मतलब दादी के चरणों में हमारा सादर प्रणाम, दादी आशीर्वाद देते रहे ना, भले ऐसे कमेंट आते हैं दादी के, तो दादी का आशीर्वाद सदैव आप लोगों के साथ है ना दादी। हाँ बोलो दादी, खुशी रहे चंदन। हाँ सभी राजी खुशी रहे चंदन। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही कमेंट्स बनाए रखना और ब्लॉग को शेयर भी जरूर करना, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं ठीक आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माँ मटियाना, शुभ रात्रि दोस्तों, राजी खुशी रहना आप लोग भी और हम लोग भी ना दादी। बाय बाय दादी, बाय कर दो, बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।